पश्चिम बंगाल में नहीं चला मोदी का जादू। एग्जिट पोल के नतीजे से जहां बीजेपी की जीत की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में अभी भी बीजेपी की जीत की उम्मीदें बहुत कम दिख रही हैं। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष भी हैं, उनका पलड़ा अभी भी बीजेपी से काफी भारी दिख रहा है। जहां पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने के लिए बीजेपी ने बहुत कोशिशें की, मगर शायद वो बंगाल के लोगों को मना नहीं पाई। मोदी से लेकर अमित शाह सब ने बहुत सारी कोशिशें की, रैलियां की, मगर टीएमसी का बंगाल पर जादू अभी भी कायम है। अगर हम पश्चिम बंगाल में हुए इलेक्शन की बात करें तो वो काफी चर्चा में बना रहा है। बंगाल में हर फेज में हुए हिंसा ने बंगाल के माहौल को काफी खराब कर दिया था। साथ ही बंगाल ऐसा पहला स्टेट बना जहां इलेक्शन कमीशन को चुनाव प्रचार के समय को कम करना पड़ा। बीजेपी को जहां 2014 के इलेक्शन में 2 सीटें मिली थी, वहीं इस बार 14 सीटें मिलने की उम्मीदें हैं। सीट्स के आंकड़े तो बढ़ते दिख रहे हैं, मगर टीएमसी की जीत होती नजर आ रही है। बीजेपी को बंगाल से उम्मीदें तो थी, मगर दीदी का जादू लोगों पर अभी भी कायम है। मोदी की लहर ऐसा लगता है बंगाल में बुरी तरह से फेल हो गई। एग्जिट पोल के नतीजे पर टीएमसी ने कहा है उसको इससे भी ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है और बीजेपी की हालत और भी बुरी होगी। जहां बीजेपी से बयान आया है कि उनका मानना है कि बंगाल में इस बार सरकार उनकी होगी। एग्जिट पोल के नतीजे से जहां कुछ लोग खुश हैं तो कुछ पार्टियों की उम्मीदें जगमगाई भी हैं। अब बस सबको 23 मई का इंतजार है, जब सारे आंकड़े सामने होंगे। SPN से सवेरा की रिपोर्ट।